जमशेदपुर में यूएफसी फैमिली द्वारा लगातार छठे वर्ष भी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। छठा यूएफसी ट्रॉफी 2024 का आयोजन गोलमोरी स्थित यूएफसी ग्राउंड में होने जा रहा है। 28 एवं 29 सितंबर को इसका आयोजन होगा। दो दिवसीय इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें शामिल होंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष शाही आदिल ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खेल स्पर्धा को बढ़ावा देने साथ ही फुटबॉल के खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच देने हेतु विगत 5 वर्षों से लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। झारखंड, बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों से टीम इस टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं। इस बार खेल के रोमांच लाने हेतु प्रत्येक टीम में 2 दिवसीय खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति भी दी गई है। 28 सितंबर को इसका विधिवत उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार एवं 1,00,000 नगद सहित ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 75,000 नगद सहित ट्रॉफी, तृतीय पुरस्कार 30,000 नगद सहित ट्रॉफी एवं चौथा पुरस्कार 20,000 नगद सहित ट्रॉफी दी जाएगी। ये 6th यूएफसी ट्रॉफी जो है गोलमोरी में कराया जा रहा है। इसमें तकरीबन 32 टीमें लेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। ये टूर्नामेंट जो है जमशेदपुर में बहुत बड़े पैमाने पर कराते हैं। इसमें जमशेदपुर के साथ साथ पूरे झारखंड की टीमें आएगी। इसमें नॉकआउट सिस्टम है, वनडे टूर्नामेंट है, डे नाइट टूर्नामेंट है, 2 दिवसीय टूर्नामेंट है 28 और 29 को। इसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। फर्स्ट प्राइस 1,10,000 रुपये विथ ट्रॉफी, सेकंड प्राइस 75,000 रुपये विथ ट्रॉफी, थर्ड प्राइस 30,000 रुपये विथ ट्रॉफी, फोर्थ प्राइस 20,000 रुपये विथ ट्रॉफी। उसके बाद इसमें जमशेदपुर के साथ साथ पूरे झारखंड के प्लेयर, उड़ीसा के प्लेयर, उसके बाद बंगाल के प्लेयर, सभी लोग जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 2 फॉरनर भी अलाउ किए हैं हम लोग, हर टीम में 2 फॉरनर अलाउ किए हैं। वो फॉरनर अपनी टीम में रख सकते हैं और खिला सकते हैं। किस नियम के तहत टूर्नामेंट होगा? ये जो टूर्नामेंट का जो एक्चुअल नियम है वनडे का, वही फीफा का जो नियम है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से करेंगे। इसमें जो रेपुटेड रेफरी है जमशेदपुर का, वो रेफरी ही ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेगा। टूर्नामेंट कराने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? टूर्नामेंट कराने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? ये हम लोग का टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य ये है कि जमशेदपुर में खेल को प्रोत्साहन देना है। जमशेदपुर के जो बच्चे हैं वो लोग खेलें और आगे बढ़ें इस खेल को।